हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ये तो आप लिख के लेने, अगले साल इलेक्शन नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि 2018 पे जो इलेक्शंस ड्यू हैं, जिस डेट को, उस डेट पे 2018 को इलेक्शन नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते। एक ही सिर्फ रह गया, वो है नेशनल गवर्नमेंट। अच्छा, नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी तभी काम चलेगा, अदरवाइज इस तरीके से तो काम नहीं चल सकता। तो आपकी नजर में एक नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, यही हल है सारी चीजों का। नया साल शुरू होने से पहले, तो आप कह रहे हैं नया साल शुरू होने से पहले, यानी कि एक डेढ़ माह के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाना चाहिए। केयरटेकर का जहाँ तक तलक है वो भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो केयरटेकर गवर्नमेंट जो बननी है वो बननी है लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों मिल के एक केयरटेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून के भी दोनों जो जाएंगे इसको, मुझे उल्लू के खान को बना देते वो भी बन जाएगा। तो आइन चेंज करने के लिए पे असेंबली के अंदर जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट अगर आइन की इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ही कह दे ये ठीक है वही ठीक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी शुजात हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद है जी लाहौर में। हम बात करना चाहते हैं कि इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है, एक स्टैंड स्टिल है पिछले कई दिनों से, और गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ऐसा सच हमें नज़र नहीं आ रही। क्या इसी तरह सारा सिलसिला चलता रहेगा या हमें कोई और सोलूशन इसका निकालना चाहिए? हुकूमत अपना काम कर रही है, और अगर कर रही है तो क्या सिर्फ और सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव या उसकी उन्होंने फोकस जो किया हुआ है हुकूमत ने सिर्फ इस चीज़ पे किया हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से फौज को लेट डाउन किया जाए, किसी ना किसी तरीके से वन वे और दी अदर फौज लेट डाउन हो, या जो क्लैशेस यहाँ पे बनी हुई है क्लैश वाली सिचुएशन, और उस क्लैश को कैसे अवर्ट किया जा सकता है? आर वी हेडिंग टूवर्ड्स स्नैप इलेक्शंस, और या हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे हमें कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाना पड़ेगा? What is the solution, ji? I would like Chaudhry Shujaat sahab to answer the question, ji. Thank you very much for joining me, Chaudhry sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Rana sahab, aapne bahut hi lamba sawal kar diya hai. Jisse sari agar aap mushkil sawal karte to zyada behtar tha. Lekin kyunki aapne lamba kar diya to phir mujhe bhi baat karni padegi. To ye jahan tak aapne ye kaha hai ki hukumat naam ki koi cheez nahi, और क्या हुकूमत कुछ भी निकाल रही, ये बात नहीं, मैंने तस्लीम करता है इस बात को। मेरा ख्याल है हुकूमत बहुत कुछ काम कर रही है और अपने मकासद पूरे करने के लिए वो हर काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं हर जगह पर गलत बहने से काम ले रहे हैं और तबाही की तरफ अब एक मंसूबे के तहत चल रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब एक अच्छी उनकी तालीम तरबियत हुई थी, पाँच साल फातमा के वो बेटे हैं जो, लेकिन कैसे अपना जहन उन्होंने बदला हुआ उसकी समझ नहीं आ रही। हर रोज़ हर घंटे बाद वो काम ले रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम सारा कुछ हाईकोर्ट के कहने पर कर रहे हैं। मैं हाईकोर्ट के ऑर्डर लेके आया हूँ, मेरे पास पड़े हैं, आप देख लें, किसी जगह पर नहीं लिखा कि वहाँ पर जाके तशद्दुद करें, गोलियाँ चलाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उनके ऑर्डर का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो माने नहीं है, लेकिन को उन्होंने तो करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये कहा जी कि मैं फैजाबाद का वजीर दाखिला नहीं, मैं सारे मुल्क का वजीर दाखिला हूँ, और साथ ही ये कह दिया कि कल जो कुछ हुआ है उसको मुझे पता ही नहीं है, ये भी कह दिया। और फिर साइन एग्रीमेंट साइन किया सुबह सुबह, तो उसमें पहले कह रहे थे कि हमारा और जो वहाँ पर बैठे हुए हैं कायदीन उनके दरमियान हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये आर्मी ने बातचीत गई, पता नहीं मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये इनको किस चीज़ की है कि ये आर्मी से मदद भी मांगते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते। इनको पता चलता है शायद हम नाम लेके
हमें क्या नुकसान होगा, लेकिन उनके जरिए सारा एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट कराया ये एग्रीमेंट सारा उन्होंने खुद कराया है, उसमें उसके बाद उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने किया है कादीन ने, तो ये एग्रीमेंट पड़ा हुआ है आप देख रहे हैं, सुबह एग्रीमेंट साइन हुआ है। वो आप वो पर्टिकुलर सवाल आप समझ, अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये हैं कि एनार्की फैलानी है गवर्नमेंट के, अगर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं तो इसको कर्ब क्यों नहीं किया जा सक रहा है, इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा सकता है, इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे चलती रहेगी हुकूमत तो ये तो इंस्टीट्यूशंस में एक क्लैश की सूरत इख्तियार कर देगी। जैसे आपने बोला कि आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते भी हैं, आर्मी को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं लेकिन आर्मी से मदद, सो अगर यही सिचुएशन चलती रहेगी तो दुश्मनों की तो ज़रूरत ही नहीं है, बाहर से किसी दुश्मन की तो ज़रूरत नहीं है। और जल्दी मेरा ख्याल है ये चल नहीं सकता, कितनी देर तक दूर दे रहे हैं अब ये पता नहीं, लेकिन नुकसान मुल्क का हो रहा है और ये चलेगा भी नहीं काम। तो अगर ये चलेगा नहीं जॉय साहब तो फिर इसका सलूशन क्या है, इलेक्शंस होने चाहिए या इंटरिम सेटअप आ जाए, अर्ली इलेक्शंस हो जाए, या आप समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर ही है कि कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाए, व्हाट इज़ द सलूशन? ये तीनों बड़े मुश्किल हैं, नए इलेक्शन तो हो नहीं सकते इसलिए कि आइन के मुताबिक भी डिलिमिटेशन ज़रूरी है और सेंसिस का जो इख्तराब पैदा हुआ है उसको भी दुरुस्त करना ज़रूरी है, उसके बगैर तो इलेक्शन हो नहीं सकते। इसलिए ये कह देना कि इलेक्शन अगले साल कौन सी डेट, 18 को, वो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आप लिख के ले लें कि इलेक्शन नहीं होगा। आप 2018 पे जो इलेक्शंस ड्यू हैं जिस डेट को, उस डेट पे 2018 को इलेक्शन नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते ना, बेशक करना चाहेंगे तब भी नहीं हो सकते, ठीक है, और होने भी नहीं चाहिए। केयर टेकर का जहाँ तक तलक है वो भी नहीं हो सकता। अच्छा, वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो बननी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों मिल के एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे जो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर अब दोनों अपना मिली भगत किसी एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दें और उसके बाद बाकी सारे छुट्टी, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो एक ही सिर्फ रह गया वो है नेशनल गवर्नमेंट। अच्छा, नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी तभी काम चलेगा, अदरवाइज इस तरीके से तो काम नहीं चल सकता। अच्छा, अर्ली इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सेंसस एंड डिलिमिटेशन, ठीक है जी, यही आप कह रहे हैं ना? या कि केयर टेकर सेटअप भी नहीं आ सकता और वक्त पे इलेक्शन 2018 में नहीं हो सकते, आप कहते हैं मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि 2018 में जब इलेक्शन ड्यू है उस टाइम पे इलेक्शन नहीं होंगे। दिस इज व्हाट, और तीसरा ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो दोनों की मिली भगत से होगी, वो भी नहीं बन सकती, पीपल्स पार्टी और नून के भी दोनों जो जो इसको उल्लू के कान को बना दे वो भी बन जाएगा। सो अगर किसी उल्लू के कान को भी बना दें तो वो भी बन जाएगा केयर टेकर वज़ीर आज़म, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। सो द सोल्यूशन आपकी नज़र में ये है कि यहाँ पे इंटरिम सेटअप आना चाहिए, नेशनल गवर्नमेंट आनी चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनेगी चोई साहब, उसको कौन इनिशिएटिव कैसे लिया जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व होंगी चोई साहब, फिर उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट के लिए कौन बनाएगा नेशनल गवर्नमेंट, कौन कैसे वो बनेगी, उसका तरीका कार तो सारे मिल बैठ के हो सकता है, कई तरीके कार निकलेगा जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी वो भी अब बताना है, मुल्क को देखना है, ये जरूरी तो नहीं आइन में है कि नहीं है, आइन में ये है कि आइन में वो भी आइन को करने सिफा तो नहीं है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सो आपके ख्याल में आइन भी चेंज किया जा सकता है, हर काम हो सकता है। अच्छा, चेंज करने के लिए भी तो फिर वहाँ पे असेंबली के अंदर जाना पड़ेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर इनकी इंटरप्रिटेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही कह दे ये ठीक है, ठीक होगा, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट करे और आइन में अमेंडमेंट लानी हो तो सुप्रीम कोर्ट। सो आप ये हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है, ये कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ये इसको ये आपके ख्याल में ये सेटअप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सेटअप मेरे ख्याल में तो ये वर्केबल हो सकता है। अच्छा, अब
ये बात करते वक्त लोग कहते हैं जमहूरियत आ जाएगी, जमहूरियत चली जाएगी, जमहूरियत निकल जाएगी। मेरे तो कहाँ चले जाना है लोग, जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूर, जमहूर का मतलब क्या है? आदमी अवाम, अवाम की खातर अगर कोई काम काम करेंगे तो उसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं। सो जमहूरियत कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो सेटअप है ये इसको जाना पड़ेगा, सेटअप लाना पड़ेगा, और उसमें इलेक्शन वक्त पे आप बिल्कुल कह रहे हैं, आप लिख के देते हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, केयर टेकर सेटअप नहीं बनेगा, क्योंकि वो दोनों पार्टीज जो है मिल के केयर टेकर सेटअप बनाएंगी और वो काबिले कबूल नहीं होगा, दैट इज़ नॉट वर्केबल। ऐसे ही है ना जी? और अगर आइन में कोई दीली लानी है या इंटरप्रिटेशन करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है ना जी? अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपके ख्याल में ये सारी जो चीज़ें हैं ये कब तक हो जानी चाहिए? नया साल शुरू होने से पहले सेनेट के इलेक्शन से पहले, नया साल शुरू होने से पहले, यानी कि एक डेढ़ माह के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाना चाहिए। तो हु इज गोइंग टू डू दैट जी, अदर देन द सुप्रीम कोर्ट? क्या वहाँ पे पिटीशन जाएगी या वहाँ पे कोई बंदा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और फिर ये सारी चीजें होंगी, या हाउ डू यू थिंक इट शुड बी डन? तरीकाकार तो बनाया जा सकता है जी, मसला एक दफा मैं ये कहना चाहूँगा कि एक दफा सारी जमातों को बगैर सारा अपने अनाज छोड़ के मुआवजे छोड़ के बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुल्क जिस हालत की तरफ जा रहा है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, वो एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, सबके साथ ही हमने दुश्मनी ले रही है। तो ये मुल्क हमसाया ममालिक भी, मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी, महंगाई जो हो रही है, टमाटर इतने महंगे, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो कहाँ से? हिंदुस्तान से आ रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ये जो है अभी तक पूछते हैं कि जी उनको क्यों निकाला, उनको अभी तक नहीं पता उनको क्यों निकाला, या वो बताना नहीं करना चाहते मियाँ साहब? एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तो उर्दू में लिख दिया था। अच्छा, पढ़ लो जी कैसे निकाला। अच्छा, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे अभी तक। तो वजीर आजम जो है, वो वजीर आजम तो जाके रायविंड बैठे रहते हैं, और अभी भी जो सारी काबीना है वो भी वजीर आजम आपको समझती है, तो इसी तरह तरीका चलता रहेगा? और अमेंडमेंट्स में अमेंडमेंट्स आती जाती हैं, और जो अमेंडमेंट्स करवानी होती हैं वो असेंबली से हो भी जाती हैं। सो इसकी रुकावट आप इसी तरीके से हो सकती है जैसे आपने जिक्र किया, जो आपने सोल्यूशन पेश किया कि इस आईन की इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सो आईन में जो बाकी चीज हुए, जो हलफ लिया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर ने हलफ लिया था, जो हलफ लेते हैं वो किसी के नाम को लिए लेते हैं, ये तो नहीं कहते हैं कि नवाज शरीफ के नजरिए के तहत हम हलफ ले रहे हैं। आईन में तो साफ लिखा गया है कि आईन हलफ जो लेते हैं, या प्राइम मिनिस्टर ने जो हलफ लिया है वो नवाज शरीफ के लिए, तो हल्फ नहीं लिया उन्होंने, उनकी उनका क्या नजरिया को जाने के लिए नहीं लिया, पाकिस्तान के लिए लिया है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए लिया है। और इतनी लंबी जो डिटेल अगर पड़ी जाए, उन्होंने हल्फ उठा के, कसर उठा के सब हल्फ लेते हैं लेकिन उसकी नफी करते हैं। तो फ्यूचर चौधरी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का या मुस्लिम लीग नून का आपको क्या नजर आता है? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को अपने जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो मकबूल कर लेना चाहिए, और यही उनके लिए बेहतर है, फैसला कबूल कर रहे हैं। फैसला तो उन्होंने कबूल कर लिया, नहीं ना घर चले गए, नहीं जल से तो ये किया, फैसले को माना तो नहीं जाना, हर रोज उसके खिलाफ बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे
सू मोटो नोटिस नहीं ले सकती कि जनाब अगर उनके फैसले को, वैसे तो फैसला अगर आ जाए तो उस पर अगर क्रिटिसाइज किया जाए तो उस पर तो कोई हर्ज नहीं है वैसे। तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसे माना ही जाए और मानते नहीं, ये तो बात नहीं ना हो सकती। और खासतौर के ऊपर अब वो नई नई इस निकाले हैं, ये जितने कवानीन चौधरी साहब पास हो रहे हैं असेंबली में से, एक वन पर्सन सेंट्रिक है और वो उस एक शख्सियत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ये सारे जो कवानीन पास हो रहे हैं ये स्ट्राइक डाउन हो सकते हैं? जो किसी एक फर्ज के लिए ये सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फौज को इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं मियां साहब? इसलिए करते हैं, अंग्रेज भी करते हैं, फौजी भी करते हैं, इसलिए करते हैं कि इनको वो इसको बड़े दिन से ले रहे हैं, वो दुबई से ले रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है जो बातें करते हैं वो चाहें तो इन सबको 6-6 महीने अंदर कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते अगर ये वो समझते हैं कि ये उनको एक किस्म की प्रवोक किया जा रहा है और उनको कोई फैसला करें जिससे अपनी सियासत चमका सकें, वो बड़ी बुद्धिमानी के साथ बड़ी फैसले के साथ इसको हैंडल कर रहे हैं, वरना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और फौज भी इसी तरीके से मान रही है। ये जो नया सेटअप आप जिसका जिक्र कर रहे हैं चौधरी साहब, इस नए सेटअप में आप कहाँ पे होंगे? यहाँ पे हम तो बिल्कुल, मैं तो किसी भी चीज़ का उम्मीदवार नहीं हूँ। परवेज इलाही साहब हैं उम्मीदवार, वो हालात को देखेंगे जी, देखेंगे ना, किसी ना किसी ने तो आना ही है, किसी ना किसी ने तो आना ही है, लेकिन आप उम्मीदवार नहीं है? जी नहीं, मैं। अच्छा, मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मेंबर तो नहीं मैं बनना चाहता, मेंबर बन जो समझेगा। हाँ जी, ठीक है, सही है, सही है। तो प्राइम मिनिस्टर के नए उम्मीदवार जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब हो सकते हैं? नहीं, तो है प्राइम मिनिस्टर बनने जो मर्जी बन जाए, जो मर्जी बन जाए, लेकिन देखना ये सूट करता है कौन, किसने क्या किया है, किसने क्या कर सकता है, वो मर्जी को फ्यूचर देखना पड़ेगा कि इस लायक भी है कि नहीं है, परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है पहले से। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि कोई 40 लोग 42 लोग या 70 लोग, कभी कोई फिगर आ जाती है, कभी कोई फिगर आ जाती है कि ये लोग मुस्लिम लीग नून से टूटे हुए हैं, और इशू ये बना हुआ है कि अगर ये लोग टूटे भी हुए हैं या फॉर दैट मैटर नाराज़ भी हैं, तो फिगर्स पे इस वक्त नहीं जाते, लेकिन उनको लीड कौन करेगा उस पर एक इशू है कि जमाली साहब जो है, अगर उनकी एज जो है वो इजाज़त नहीं देती, उनकी उम्र इजाज़त नहीं देती कि वो इतना हैक्टिक काम कर सके, ये कहा जाता है। और अगर और कोई इन लोगों को लीड करने के लिए हो तो वो कौन लीड कर सकता है इस ग्रुप को जो मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो आवाज़ें आती हैं कि जनाब इतने लोग जो है टूटे हुए, उनको लीड कौन कर सकता है? क्राइसिस नज़र आता है उसमें, लीडर ये क्राइसिस नज़र नहीं आएगा क्योंकि मुस्लिम लीग ही है ना वो, जी मुस्लिम में जाने में उनको बात नहीं है, किसी और पार्टी में जाने में तो वो कह सकते हैं पार्टी छोड़ दी, तो अगर मुस्लिम लीग में रहें तो रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते, मतलब मुस्लिम लीग में वो काफ में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काफ में कोई चीज नहीं है, उन्होंने भी कोई चीज नहीं है, अपने अपने नाम रखे हुए हैं, एक ही पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बस कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो वो अपने नामों से चल रही है। अच्छा, वो जो ग्रुप है वो वाकई मौजूद है चौधरी साहब, जो नाराज है? बल जरूरी है, अभी जो अब उन्होंने किया है इससे तो ज्यादा हो गए, अब देखें अब लोगों ने तो अब अटैक करने शुरू कर दिए हैं, उनकी निशानदेही करने शुरू कर दी है, और हमने देखा जो भी इसकी इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ
वहां उठते। कितने एक लोग होंगे जो टूटने को तैयार हैं, कोई फिगर बता सकते हैं चौधरी साहब? बढ़ते जा रहे हैं, ये जो कुछ कल धरने के दौरान किया है, ये और लोग नफरत। अच्छा, तो कोई आइडिया कोई दे सकते हैं कोई लोग या हुकूमत को कि इतने लोग तैयार बैठे हुए हैं जो कि आपके पास आ सकते हैं? हमारे पास बेसिकली तो कई लोग आपसे टूट के गए ना चौधरी साहब, तकरीबन 60-70 तो ऐसे हैं जो हमसे टूट के गए हैं, जो हमारे स्कूल के पढ़े हुए हैं जी। नहीं है उनको आपके स्कूल के पढ़े हुए सब देख रहे हैं। मैं एक दिन फिगर लगा रहा था तो मैंने देखा कि जब मैं चंद्रमा के लिए बना था तो 12 वो ऐसे जो इस वक्त इस कैबिनेट में भी है, मेरी कैबिनेट में भी थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है। तो वो लोग क्या वापस आना चाहते हैं? उन्होंने रابطे किए हैं आपसे? आर दे इन टच विद यू? अगर मेरी कैबिनेट में से दूसरी कैबिनेट में चले गए तो उन्हें वापस आने में कौन सी हर्जा है? उन्होंने बनना है तो हमें छोड़ के चले गए थे, दूसरे को भी छोड़ के आए हैं। अच्छा, वजीर तो बनने ही है, वजीर तो उन्होंने बनना ही है, आपको छोड़ के चले गए थे तो आपके पास भी वापस आ सकते। अच्छा, ये जो ग्रुप है जो जो आप कह रहे हैं कि जिसकी तादाद आ रही है, वो आपके साथ इन टच है, आपके साथ रابطے में है, आपके पास वापस आना चाहते हैं या नहीं? नहीं, हमने वापस आने के लिए जरूरी कहा, रابطے में है। रابطے में? अच्छा, आपने नहीं कहा उन्हें वापस आने के लिए, तो क्या वो खुद आना चाहते हैं? बैठने की बात होती है। अच्छा, अभी बैठ के बात होगी। अच्छा, मतलब अगर उन्हें लगेगा कि आप लोग दोबारा बनने जा रहे हैं जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं, तो फिर आपके पास आ जाएंगे वो? नहीं, फैसला करें। नंबर्स मुझे नहीं बता रहे आप? नंबर बढ़ते जा रहे हैं। नंबर मैं क्यों खड़ा हो जाऊं? अच्छा, ये क्या वजह क्या है कि मियाँ साहब ने खुद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आइन इजाजत देता है मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने खुद एक अपनी मर्जी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया, DGISI अपॉइंट किया, अपनी मर्जी से सारे लोगों को प्लेस किया, लेकिन फिर कुछ ही अरसे के बाद वो उनकी चल नहीं सकते उन लोगों के साथ। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली मरतबा नहीं हुआ, कई मरतबा हो चुका है। वजह क्या है? जी, पांचवी दफा हो चुका है। वजह क्या है? वजह ये होगी, आदमी क्या होते हैं, आपको किसी के मशवरे पे नहीं करते वो, या तो किसी के मशवरे पे कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन मशवरे पे नहीं कर रहे वो, उनकी अपनी अलता की हर एक के साथ टक्कर लेना, हर एक के साथ टक्कर लेना उनकी आदत है मियाँ साहब की। तो आप जब थे उनके साथ, आप उनको नहीं समझाते थे कि ऐसा ना करें? कई दफा समझाया था, मैं समझते थे फिर कुछ ना कुछ हो जाता था। अच्छा, आप समझाते थे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो कर देते थे? मैं तो पहले जैसे बने थे तो हॉलीडे में हमारी मीटिंग हुई थी, तो वहां पर मैंने जब देखा कि सारे लोग चपलूसियां कर रहे हैं, उन्हें तकरीरें कर रहे हैं, सुन ली थी उससे पहले, तो मैं भी बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैंने पहले रूटीन में मैंने तकरीर नहीं करनी थी, तो मैंने स्टेज के ऊपर जाकर कहा, मियाँ साहब मैं आपको मालूम हो गया आप बन रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ, तो उसके बाद मैं जाना चाहूँगा। कहने लगे हाँ सर, शुक्रिया सर देखने के लिए। कहा जी कि आप मुनाफिकीन से दूर रहें, एक नंबर वन, चापलूसों से के साथ नौ साथ चापलूसों के साथ लगाएं, और तीसरी बात जो मैं ये मैं खास तौर पर आपको कह रहा हूँ कि आप में मैं नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मैं ये लफ्ज़ आप नहीं इस्तेमाल करें, ये 3 चीज़ें हैं, और मैंने कहा इस्लाम रखा, मैं नीचे आके बैठ गया। अच्छा, तो सारे ने काफ़ी तारीफें लगाई। उसके बाद जब हम गाड़ी में बैठे, हमारे गाड़ी ठहरे हुए थे, तो जब असम्बली आती थी, मुझे अभी तक याद है
असम्बली वाले करीब से गुजरे तो मेरे साथ बैठे थे, तो कहने लगे कि शरीफ साहब वो आपने क्या बात की थी, सर दोबारा दोहराएं दोहराएं तो मैंने दोबारा दोहरा दी। मैंने कहा ये चीज़ें चीज़ें की, कहने की बात तो ठीक है, और तीनों को बड़ी उन्होंने मन किया। अच्छा, तो मैंने की बात क्या आप कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का क्या फ्यूचर देखते हैं जोई साहब आप? शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के मुकाबले में तो जीरो है। जीरो है? सही पूछते हैं। अच्छा, जो मर्जी कर लें, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब नहीं हो सकते। वो लोगों में तो जीरो है, नवाज शरीफ के निकाल दिया जाए तो वो तो जीरो हो जाते हैं। जी, जो जो लेगेसी ट्रांसफ़र करने की बात होती है शरीफ फैमिली में से, जिसमें से जो बच्चों के पास लेगेसी, वो मरियम के पास जानी चाहिए, मरियम बीबी के पास जानी चाहिए, हमजा शहबाज साहब के पास जानी चाहिए, या हाउ शुड इट वर्क? जी, आपके नज़र में कौन बेहतर है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा या हमजा शहबाज? काफ़ी टाइम है उनको अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन बुरी बात नहीं है अगर वो अपनी हिम्मत के साथ, अपनी फैसले के साथ, अपनी काबिलियत के साथ जो भी आगे आना जाए तो इसे बुरी। आप एक मंझे हुए सियासतदान हैं, वज़ीर आज़म भी रहे, और आपने बड़े टफ टाइम भी देखे, अच्छे टाइम भी देखे, और डू यू थिंक एक पोटेंशियल किसके अंदर है, मरियम बीबी के अंदर है या हमजा साहब के पास है? अभी नहीं रहा कुछ जी, इसमें वक्त लगता है। अच्छा, अपने आप को साबित करने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम वो सोच होना चाहिए जैसे आप अपोजिशन में होंगे। अभी तो अपोजिशन में देखी नहीं उन्होंने, मशीन से कोई कुछ नहीं देखा। ये अगर कल को मियां नवाज शरीफ साहब को सजाएं हो जाती हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर वो हाई करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, वो इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। आपके ख्याल में जो प्रोसेस है, ये जो चल रहे केसेस मियां साहब के ऊपर या सफदर के ऊपर या मरियम बीबी के ऊपर, इनमें अगर सजाएं हो जाती हैं तो फिर मियां साहब का चैप्टर क्लोज हो जाएगा या मियां साहब मजीद फ्लॉरिश करेंगे, मरियम बीबी मजीद फ्लॉरिश करेंगे? उनमें पोटेंशियल है, अगर वो उनमें काबिलियत है तो वो आगे आए, जिसमें भी काबिलियत होगी वो आगे आएगा। एक गुनाह भी वो बच्चा किसी का काम नहीं कर सकता, ये कहना कि मारूसी मारूसी तो सारी मारूसी से सारी दुनिया में कहानी है ये। तो ऐसा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो पोजीशन आज से कोई 20 रोज पहले थी, क्या अभी भी पोजीशन उनकी वही है? अगर वो जिस तरह उन्होंने प्लान किए हुए थे जलसे मियां साहब ने, और वो जलसों पे जाना चाह रहे थे, अब क्या जलसों जुलूसों में उन्हें वही रिस्पांस मिलेगा जो आज से तकरीबन एक माह पहले मिल रहा था उन्हें? जलसे जुलूस करना तो लेकिन उन्हें अब जवाब देना पड़ेगा चीज़ों का जो कि उनके लोगों ने की है या उनके कहने पर की है, या वो लोग शामिल हैं सारी चीज़ों में जो उन्होंने किए, जैसे कि उन्होंने ड्राफ्टिंग चेंज की, किसने की चेंज की, इस तरह सब चीज़ों के सामने जवाब देना पड़ेगा उन चीज़ों को। उस तरीके का माहौल नहीं होगा जैसे पहले माहौल था। अब आपने देखा दो दिन के अंदर अंदर कई लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, और कई लोगों ने के ऊपर गांव में अटैक भी हुए हैं, और काफ़ी सो व्हाट यू मीन टू से इज कि जो मियां साहब की सिचुएशन धरने से पहले थी वो अब नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कई चीज़ों के कई सवालात के जवाब देने पड़ेंगे और वो एक टफ टाइम होगा। अच्छा, ये फौज कोई एडवेंचरिज्म करने के चक्कर में नहीं है, फौज कुछ इंटरफियर करने के चक्कर में नहीं है, और बड़े फूंक फूंक के पैर रख रही है फौज, क्योंकि सियासतदानों की जो होती है चालें वो फौज वाले जो है वो एज सच नहीं समझ पा रहे, और ना समझना चाहते हैं फौज वाले, क्योंकि वो एक अपनी एक
उनकी अपना एक लाइफ पैटर्न होता है फौज का और उस पर वो चलना चाहते हैं और ये सियासतदानों का जो चुंगल होता है या ट्रैप होता है उसमें वो फंसना नहीं चाहते। बट देन अगेन फौज वालों को बीच में इन्वॉल्व कराया जाता है मिन्नत समाजत करके, फौज वालों को कहा जाता है कि जी ये क्राइसिस खड़ा हो गया जैसे धरने का क्राइसिस था तो ये जनाब आप इसमें सुलह सफाई कराएं, लेकिन फिर जब फौज वाले उसमें सुलह सफाई कराते तो फिर उन्हीं पे जनाब उंगलियां उठवानी शुरू कर देते हैं सियासतदान या हुकूमत के कुछ लोग। सो इस सिचुएशन को काउंटर किया जा सकता है नहीं करता, क्योंकि देर इज़ अ सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट जो फौज वाले या हुकूमत के दरमियान एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है जो कि बड़ा अलार्मिंग होता है। देखिए ये जो आदमी कहे कुछ करे कुछ ये तो बात बनता है। अब आदमी को बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए कि आर्मी जो है वो एक हकीकत है और जब हकीकत कही जाए जी खराब बात कर रहे हैं मुझे की बात नहीं है। अब देखें वो कहते थे जी हमने कुछ नहीं करना, एग्रीमेंट नहीं करना, वो नहीं करना, फौज के साथ हम क्यों करें ये क्यों करें, और साइन तो आगे फौज ने किया, फौज कहने के ऊपर सारा कुछ हुआ। तो फौज आपको याद होगा कि जब सब आए थे तो सिर्फ भी ऐसी सुविधा थी, फौज हमने भी बुलवाई थी लेकिन फौज आगे चौथे नंबर पर बैठी हुई थी, पहले नंबर पर इस्लामाबाद पुलिस, फिर पाव की पुलिस, फिर सुबह की पुलिस, फिर रेंजर, और उसके बाद फौज जो सिपाही नंबर से हैं। इस तरह नहीं फौज को बुला के मजिस्ट्रेट आर्डर करे गोली चला दो तो फौज गोली चला देगी, ऐसी नहीं बात होती। लेकिन हकीकत को हकीकत तस्लीम करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी सियासी बचाने के लिए आप बिल्कुल ही रहने चलने की कोशिश करें, होता नहीं है। असलियत ही होती है, हकीकत हकीकत ही होती है, अगर मानना चाहिए। मैं जो साहब अब थोड़ा सा वाइंड अप करूंगा, सिर्फ ये आपने जो बातें कही हैं वो मैं आपके सामने या लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आपने बोला कि इलेक्शंस आप लिख के देने के लिए तैयार है कि जनाब 2018 में इलेक्शंस नहीं होंगे। आपने कहा कि ये केयर टेकर सेटअप नहीं बन सकता। आपने कहा देर आर क्वेश्चन मार्क्स ऑन सेंसेस एंड डिलिमिटेशन पर और सेंसेस पे क्वेश्चन मार्क है, उनको जब तक हल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकते। आपने कहा कि अगर कोई इंटरप्रिटेशन हो करनी हो आइन की तो वो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। आपने कहा कि एक इंटरिम सेटअप बन सकता है, ऐसे ही है चोई साहब? नहीं, इंटरिम नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकती। यही कहा आपने चोई साहब? आपने फिर एक वर्ड यूज किया कि कौन सा सेटअप आना चाहिए, वो वर्ड क्या था आप रिपीट कर देंगे? वो ये था कि नेशनल गवर्नमेंट हो, नेशनल गवर्नमेंट बने। सो आपकी नजर में एक नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, यही हल है सारी चीजों का, और नहीं होगी तो क्राइसिस बढ़ते रहेंगे। एक पीरियड के लिए बनेगी। कितने के लिए जी? पीरियड होगा उसके, एक पीरियड के लिए, सर्टेन पीरियड जिसमें ये रिफॉर्म होगी। रिफॉर्म भी बहुत जरूरी है, डिलिमिटेशन के अलावा रिफॉर्म भी होनी चाहिए। अच्छा, सो नेशनल दिस इज द सॉल्यूशन, यही बात है चोई साहब? रिफॉर्म करें, ठीक, बिल्कुल ठीक। चोई साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी। आई हैव समड इट आउट इट, सो जो चीज़ें थी मैंने सम आउट कर दी यहाँ पे, और चोई साहब ने जो सोल्यूशन पेश किया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।